नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं साजिद खान और मेरा यार, मेरा जिगरी, मेरा भाई रितेश देशमुख आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पर जिसका नाम है वीवो स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारों की बारात, को पावर्ड बाय amazon.in। तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो हेलो हेलो। अबे एक बात को तीन तीन बार क्यों बोल रहा है एक बात को? अरे मरने के बाद कुछ साथ में नहीं लेके जाना है दोस्त, मैंने सोचा क्यों ना हेलो बांटते जाऊं। हेलो हेलो मेम साहब आप भी हेलो, लो मैडम आंटी आप भी हेलो ले लो। बेटा तेरा हेलो नीचे गिर गया, उठा लेना। मैं स्वागत करना चाहता हूं म्यूजिक डायरेक्टर्स की असली जोड़ी जो दो होकर भी आज तक एक है, यारों की बारात में ऐसी ही यारों की जोड़ी का स्वागत कीजिए। सुरो के महारथी, प्लीज वेलकम विशाल एंड शेखर। चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बात भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो हंसना रूहानी कहीं, ना वो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाए बिना, ना वो सजरी जवानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। All right, people. Everybody, get your hands up. Hands up. Sajid, Riteish, are you guys going to join us for this one? Uski akhiya English bole, meri anpadh akhiya re. Baithe baithe laage dekho, dil ko mere thagiya re. भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, चो, चो, चो। नहीं बेबी को बेस पसंद है, और जब नचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बार कुछ है सब बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। एक सेकंड, बहुत हो गया ये, वंस मोर वंस मोर। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। कम ऑन, वी हैव विशाल शेखर इन द हाउस गाइस। There's a big hand for. सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, ये बैठने से पहले आप जो कह रहे थे तू यहाँ बैठने में यहाँ बैठूंगा, नहीं नहीं यहाँ पर यहाँ, ये क्या हो क्या रहा था जरा हमें बताइए। तो देखिए 17 साल से हम फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक दे रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं दुनिया भर में, टीवी शोज पे आते रहते हैं, और अब तक ऐसा है कि लोगों को ज्यादातर कन्फ्यूजन है कि विशाल कौन सा है और शेखर कौन सा है। तो हम लोग ऐसे बैठते हैं कि जब आप कैप्शन डालो ना तो विशाल के नाम, मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ विशाल है। और आप ये करते हो कि लेफ्ट पे हमेशा आप बैठते हो, राइट पे इनको बैठा। हमारी तरफ से तो शेखर लेफ्ट में, विशाल राइट पे है जी, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो बिल्कुल, और अगर आपने कुछ नीचे लिखा विशाल एंड शेखर, तो इट विल बी सीन एज विशाल एंड शेखर। वाओ, दैट्स क्वाइट स्मार्ट। सबसे पहले विशाल बताइए कि आप जब मुंह धोते हैं
तो शुरू कहाँ से करते हो, खत्म कहाँ से करते हो? ये बॉर्डर कहाँ पे? सर ये लिमिटलेस है. लिमिटलेस? हाँ जी, लिमिटलेस है. यहाँ से शुरू होता है जी और फिर चलते जाता है. मतलब बहुत लोग फेस वॉश से फेस धोते हैं, आप दुनिया के पहले आदमी जो फेस वॉश से शैम्पू भी कर लेते हैं. जब आप बाहर जाते हो और शो करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि यार आज रात मैंने अच्छा गाना गाया तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा? शेखर सारे पैसे लेता है, सबसे अच्छा वही गाता है. आई जस्ट मतलब मैं हूँ. नहीं नहीं नहीं, ये गलत है. बिफोर आई गेट अ कॉल टुमारो मॉर्निंग. He's become Dharna Chacha here also. अभी क्या है, ये सिंधी अपना शेयर लेता है और बोलता भी नहीं है. देखा, बिजनेस तो बनता है. बिजनेस तो बनता है बहुत. ये होती है असली दोस्ती रितेश. क्या बात है, असली दोस्ती ये होती है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कॉमेडी का सवाल आता है तो साजिद से बेहतर मैं कर लेता हूँ. मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये बोलेगा. ये दोस्ती है, ये दोस्ती, ये दोस्ती होती है. ये दोस्ती होती है. अभी लेकिन मेरा सवाल तुम दोनों से, स्पेशली विशाल से. शेखर थोड़ा सा यू नो टीनेज आइडल है, लड़कियां थोड़ी इसकी दीवानी है, यू नो. थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दीवानी है. बहुत ज्यादा. मैं कभी कभी शुरू से निकलता हूँ तो भीड़ ऐसे मुझे कुचल के पीछे, मतलब शेखर तक चल जाती है. हाँ, और शेखर की जब भी शोज परफॉर्म करता है तो लड़कियों के नाम होते हैं, जैसे इनकी फैंस होती है पूजा, स्वीटी, नेहा, बुलबुल. लेकिन आपके फैंस थोड़े मेल होते हैं, पुरुषोत्तम, टीकम, रे, जेम्स, दीनानाथ. सर ऐसा भी नहीं है. आपको इसके बारे में क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि आपकी ये जो लिस्ट है बड़ी सेक्सिस्ट है. मेल फैंस भी शेखर के ही हैं. इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हमारे पास खास, जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर विशाल और शेखर दोनों आ रहे हैं, तो शेखर के लिए खास एक लेटर आया है. आए हाए, आया है. मैं पढ़ना चाहता हूँ. इधर इधर देखो, देखो खाली देखिए कितनी पप्पियां हैं. लव यू शेखू, लव यू शेखू. शेखू आपको बुलाता है कोई? शेखू, आई लव यू शेखू. और काफी सारे लिपस्टिक. तो ये लेटर है. हे मैं जानू सोना बाबू शेखू, पहचाना? मैं वही हूँ जो तुम्हारी सैंडविच वाली दुकान पे सैंडविच खाने के बहाने तुमसे मिलने आती थी. तुम्हारे चक्कर में एक दिन मैंने इतने सैंडविच खा लिए कि मेरा पेट उतना निकल आया जितना बिहार से झारखंड भी नहीं निकला. तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो सोच लिया था कि इस मस्तानी के लिए यही बाजीराव परफेक्ट रहेगा. सोचा था मोहब्बत ना सही थोड़ी अय्याशी ही कर लेंगे. और तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो सिर्फ अपने गाने के चक्कर में ही लगे रहे. आज हमारी शादी हो गई होती तो हमारे छोटे छोटे सारे गामा पा होते. लेकिन सुना है तुम्हारी शादी हो गई, अच्छी बात है. लेकिन ये लेटर तुम्हें बताने के लिए लिख रही हूं कि अभी भी मौका है. मेरी जैसी लड़की तुम्हें रशिया में भी नहीं मिलेगी. रशिया? क्योंकि मैं घाटकोपर में रहती हूं ना, इसलिए. अगर अभी भी मुझसे प्यार करते हो तो काली पहाड़ी के आगे आ जाना, पीछे तो हम लोग कई बार मिल चुके हैं. There is काली पहाड़ी. तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी. ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि कभी कभी मैं विशाल की भी हूं. जंबो वड़ा पाव गली घाटकोपर वेस्ट, तुम्हारी ज्योति. जंबो वड़ा पाव गली ज्योति. कब आ रहे हो मेरी जोत जलाने के लिए? कौन है? कौन है?
ये आधी पप्पियां तो विशाल तेरी भी है. थैंक्स सर. सैंडविच क्या है ये? व्हाट्स द सैंडविच स्टोरी सर? नहीं, एक मेरे फैमिली बिजनेस था, रेस्टोरेंट था, तो वहाँ लोग आया करते थे और मैंने तो एक दो साल मैंने भी मैनेज किया है वहाँ. और ये उसी वक्त आती थी ज्योति जब आप सैंडविच? सी, मैं जानता नहीं हूँ ज्योति कौन है और ये काली पहाड़ी कहाँ है. विशाल, काली पहाड़ी तू? काली पहाड़ी तो मैं विशाल को मालूम होगा. कहते हैं कि जो दो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की बातें इशारे इशारे में पहचान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये करूं तो रितेश बोलेगा तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है. बिल्कुल करेक्ट, इसको पता है. ये इशारे ऐसे होने चाहिए. कुछ करो तो झट से दोस्तों को पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है. जैसे अब ये एक इशारा करेगा, तू खाना खा रहा है, करेगा? तो हम जानना चाहते हैं एज फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? लेट्स गो. Okay, ready? Come on, let's get started. Okay, let's go. Ready? Ready? And start. Okay. Balam Pichkari. Pritam. अरे ये क्या बात हुई यार? बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई. जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन भाभी हो गई. What bad are these guys? Very good. Okay. Okay. अगला वर्ड है, let's go. मैं कहीं फंस चुका हूँ जमीन मेरे पैरों के. करेक्ट, थैंक यू सो मच. अरे तू क्यों बोल रहा है? ये भी मेरा दोस्त है. मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो. ए हाथी. हाँ. तीन बांसुरी. जल्दी बोल, इंग्लिश में बोल. फ्लूट. नहीं, जल्दी बोल. शहनाई. पाइप इंस्ट्रूमेंट. बैक पाइप. पाइप इंस्ट्रूमेंट. सैक्सोफोन. यस. या. जिसके बाल नहीं है. टकला. यार ये नाइंसाफी है यार. ओके, निहत्ते पे बाहर है. मैं क्या बोलूंगा तुम लोग के बारे में? अरे लेट्स गो. मैं ही पकड़ो. सिंधी लोग खाता है बाबा पापड़. अरे बाबा. अरे ये क्या बात हुआ? अरे सही मैं बोला है बाबा. ये करेक्ट क्लू है. गलत से. हमारा रेडियो क्लब में जाता है तो यही मिलता है खाना. इट इज अ किल्लू. ओके, रेडी? ऑलराइट, लेट्स गो. जो माउंटेन पे होता है एक्सप्लोजन जैसा. वोल्केनो. ज्वालामुखी. Well done. ज्वालामुखी. ज्वालामुखी विशाल को पता था. Now, इनकी क्लूइंग तो बहुत खराब थी. अब देखते हैं अगर ये बराबर क्लू करे तो एटलीस्ट जवाब तो अच्छा देना. रेडी? ओके, लेट्स गो. स्टार्ट. नाला, जहाँ पे गंदा पानी बहता है. हिंदी में इट्स अ वर्ड वी यूज ऑल द टाइम टू डिस्क्राइब समथिंग बैड, लाइक इट्स टेरेबल. कीचड़. कीचड़. नो. नाला. अरे उसको क्या बोलते हैं? पानी टॉयलेट से. गटर. किनारे. गटर. थैंक यू. ओके, लेट्स गो. हाय हाय. बिग मस्टैश. सैंडलवुड स्मगलर. एलिफेंट. बिग. उसके पिक्चर भी बनाई रामगोपाल वर्मा ने. कम ऑन. You know he's got this massive. What's his name? Ram Prasad. It's Veerappan. Veerappan. What's his name? He's asking. Okay, let's go. क्या हुआ? विशाल थोड़ा अच्छा करना है. एक सेकंड. अच्छी तरह देख लो दोस्तों. मुझे. मैं बोल रहा हूँ दाढ़ी शेव कर. अच्छी तरह देख लो दोस्तों. अच्छी तरह देख लो. रेडी? hey!
Okay, this is the opposite of dust, the opposite of loosies in Hindi. Jab kabza. Kabza, kabza. Kabza, kabza. Kabza, kabza. Kabza, kabza. Kabza, kabza. Kabza, kya hota hai? Kabz hota hai. Kabz hota hai. Ready? Come on. Word for navel in Hindi. You can't do that. What? Yeah, you can't do that. Direct translation. अरे यार तो तूने उसको बोला। ठीक है यार बोलना बोलना। फिर भी नहीं मिला इसको। छाती, you can't point. छाती के नीचे कमर के ऊपर गोल पॉइंट क्या होता है? Keep point. Don't tell me the word. Hindi word क्या है इसका? Come on, come on. हमारे गुजराती में उसको दुत्ती कहते हैं। लेकिन 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 हिंदी में क्या कहते हैं? I don't know, man. राम ने रावण को बाण कहाँ मारा था? Come on, Sheikh, you can do this. Come on, I believe in you. Nabi, Nabi. Yeah. Nabi, right? Gujarati khave che, yellow rang no che. Dogla. Very good. Dogla, are. Let's go, let's go, let's go. Oh God! Initials of a previous prime minister. Come on. नहीं नहीं. Say the name of the film. कौन सी picture आई थी? हाँ वो Ragini. Ragini. MMS. Yeah. तो अभी score आ गए. शेखर को 4 गलत मिले और विशाल को 3 गलत. तो जीते हैं विशाल. साजिद, तेरा फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे, किशोर कुमार, रफी साहब से लेकर सोनू निगम तक. और फीमेल? लता जी, आशा जी से लेकर सुनिधि चौहान तक. सुनिधि चौहान, वाओ. बेस्ट ऑफ द बेस्ट. गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली सुनिधि चौहान. What's her name? What's her name? My name is Shreya Ghoshal. Come on. Vishal, Sunidhi and Shekhar. Thank you, thank you, thank you. तो सुनिधि आप हमें बताइए कि आप इन दोनों को तब से जानती हैं जब ये इतने पॉपुलर नहीं थे, इतने बड़े स्टार्स नहीं थे. अब जब ये इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं तो अब इनमें क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आप देखते हो? देखिए, जब मैं पहली बार इनके साथ मैंने काम किया तो स्टार तो मुझे तभी लग रहे थे. You know, two good-looking boys, young boys. देखा, मैं भी. Honestly, I mean, I'm not kidding. I swear, बहुत मजा आता था काम करने में साथ में. और I think पहले ही फिल्म से इन्होंने धमाका तो कर ही दिया था. तो ऐसा नहीं है कि अब जाके ऐसा हुआ है. पिछले 10 सालों से what they've been delivering is crazy. And I'm lucky कि मैं लगभग 80% songs का हिस्सा बन पाई हूँ.
Wow. I can proudly say that. Absolutely. And I'm, yeah. I think the luck is all ours. सुनिधि ये दोनों आपके इतने अच्छे दोस्त हैं लेकिन जब दोस्ती निभानी होती है तो सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपकी शादी के फंक्शन में कौन आया था विशाल देखा हाँ ओ लेकिन महंगा महंगा तोहफा बाद में किसने भेजा था किसी ने नहीं इमरजेंसी में पहला नंबर आप दोनों में से किसको लगाओगे तकलीफ में हो तो मैं शेखर को लगाऊं तो दैट मींस शेखर इज द क्लोजर बॉडी नहीं इसीलिए क्योंकि मैं गिफ्ट नहीं लेके गया नो 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 उसका रीजन ये है क्योंकि सुनिधि इज अ स्मार्ट गर्ल उसे पता है कि रात के 3 बजे शेखर फ्री होगा और विशाल बिजी होगा मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ और मैंने सुना है लोगों से कि आपको जब एक गाना पसंद आ जाता है तब आप अपने जो भाव होते हैं आप लिरिसिस की तरफ कैसे ये मैंने भी सुना है आप कैसे दिखाते हैं लेकिन आप मैंने सुना है कि आप बहुत ही भावुक हो जाते हैं हाँ बहुत भावुक हो गए समीर साहब ने जब पहला गाना लिखा था हे बेबी का तो मैं नागिन की तरह उनके पैरों पर लोटपोट कर रहा था कैसे आप दिखा सके हम नहीं अभी नहीं चाचा आप साफ है साफ है चाचा चाचा इज गुड टू गो तो आप सबके लिए ये समीर साहब है ये साजिद खान है साजिद खान साहब को गाना बेहद पसंद आया एज ए डायरेक्टर और एक्शन साजिद एक थाट आया है साजिद अच्छा समीर साहब की तरफ इश्क मोहब्बत प्यार की बातें इश्क मोहब्बत बेकार की बात वाह 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 समीर साहब वाह वाह ही इज गोइंग फ्रॉम देयर चाचा क्या कर रहे हैं आप नाचो रे नाचो चाचा नाचो रे नाचो प्यार की बात नाचो रे नाचो इश्क मोहब्बत अरे डार्लिंग प्यार की बात अरे नहीं 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 चाचा 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 विशाल चाचा ये समीर साहब है चाची नहीं है और नहीं और नहीं और नहीं आइए आपको चाचा ये क्या किया थैंक यू जी चाचा चाचा नहीं बिग हैंड वाह ही वाज कमिंग इनसाइड यू ओह माय गॉड व्हाट स्पिरिट अरे भैया अमेजिंग सुनिधि इज हियर तो आप लोग की ये जो परंपरा है जो इतने शोर से चलती आ रही है और जिसके पीछे पूरी इंडिया पागल हो गई है क्या जिसे नाचो नाचो कहते हैं इनफ नहीं यार बस बहुत हो गया रितेश कितने एपिसोड में हम लोग लोगों को नचाएंगे ऐसे यार वी विल नॉट डू इट एनीमोर अरे वी विल डू इट व्हाट डू यू मीन नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं करेंगे रियली या या ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती बहुत मशहूर है और आपकी मशहूरियत की बात करें तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइव शो के टाइम पे गाना पब्लिक को पसंद नहीं आया तो उन्होंने अंडे फेंके हैं टमाटर फेंके हैं सड़े हुए स्टूडियो में पता पड़ जाता है वो लाइव शो तक नहीं 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 ऐसा होता है ऐसा होता है नहीं ऐसा होता है और हमें यही जानना है कि क्या अगर ऐसा हो तो फिर आप अपना शो रोक देंगे या गाते रहेंगे हम लोग गेम खेलेंगे यहाँ पर विशाल एंड शेखर एक एक करके दोनों 2 मिनट के लिए गाएंगे और दूसरी टीम उनके ऊपर पानी से भरे गुब्बारे फेंक कर मारेंगे लेकिन आपको गाना रोकना नहीं है नहीं रोक सकते हैं रुक गए तो हार गए रुक गए तो हार गए हाँ ये गाना नहीं रुकेगा देखो भाई रितेश गाना गाएगा और आप दोनों को वहां से गुब्बारे फेंकने हैं और आपके गुब्बारे चलते रहेंगे लेकिन रितेश का गाना गाना नहीं रुकेगा ओके रेडी 3 2 1 टाइमर शुरू एंड
एक्शन। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों का प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे रे मैं तो गया गया रे, अरे रे दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे, दिल के वरक पे है लिखा जाने वफा तेरा नाम, छल के रुक जाए तो फिर होवे मोहब्बत की शाम, चाहूं चाहूं दिन रात मैं चाहूं लम्हा लम्हा तेरे साथ बिताऊं, चाहत की सुन पुकार अरे मारो अंधो, अरे मारो अंधो, अरे क्या कर रहे हो बबुआ, हाय हाय हाय, अरे बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो बबुआ। 17,440 गुब्बारे फेंके लेकिन रितेश ने गाना गाना नहीं रोका, तालियां। और वो 17,440 गुब्बारों में से चार फूटे भी है। अभी विशाल साहब आइए, ये आपका टर्न है। रेडी चलो। अच्छा मैं नंगे सर चलो। देखो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि रितेश और मैं जब ये गुब्बारे फेंकें तो हमारे बीच में एमकेसी आए। एमकेसी हूँ मटकाऊ कमर चाचा, वो हमारे ट्यून पे ले आइए। आप खाली यही करते रहना, हमारी प्रेरणा बनना, इंस्पिरेशन। आइए, दो मिनट है आपके पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आजा आजा दिल्ली छोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो फोड़े, आजा आजा दिल्ली छोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक तो फोड़े, दिल दिल तारा मेरा दिल्ली का तेल, पैसे 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 का खेल, दिल दिल तारा मेरा दिल्ली का तेल, गोड़ी गोड़ी पैसे पैसे का खेल, चल चल सड़कों पे होगी घटना घटना, एवरीबॉडी सिंग आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। विशाल और शेखर, आपके यहाँ बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बात करना चाहते, तो आइए देखते हैं कि कौन कितना बड़ा फैन है और कहाँ कहाँ से आए जी। ओके जी, आइए सर। आपका नाम? विजय। आप कहाँ से आए? मैं कांदिली चारको। मेरा क्वेश्चन विशाल सर से है जी। विशाल सर हमारे इंडस्ट्री के सबसे कूलेस्ट सिंगर है, रॉक स्टार, वो स्टेज पे आते हैं। मैंने उनका एक इवेंट अटेंड किया था, वो जब भी स्टेज पे आते हैं अलग एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, सब फाड़ देते हैं। हाँ फाड़ तो देता हूँ। सर मैं हमेशा आपकी स्टाइल कॉपी करने की ट्राई करता हूँ, अभी जो आपका रिसेंट हेयर स्टाइल है वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ। क्या पता आपकी दुआ से बाल आ जाएंगे यार, उसमें क्या है? आप नहीं, आप इनकी हेयर स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं आप? मैं बाल कटाना चाहता हूँ।
कटाना नहीं चाहते, मुंडवाना चाहते हैं आप बोले। हाँ, मुंडवाना चाहता हूँ। किधर जाओ ना बेटा, नाई की दुकान में सर, मैं उनके हाथ से कराना चाहता हूँ, मेरी मम्मी तो अलाउड नहीं करेगी। Can we have a stool, please? आजा बेटा, शाबाश। आइए बैठिए। कोई भी जब मटन मटन बनता है तो उसको अच्छी तरह मैरिनेट करना पड़ता है। मैं आपके खुशहाली की दुआ देता हूँ। सारे बोलिए गणपति बाप्पा। बस इतना पैसा में इतने ही मिलेगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि कट दे दिया है तो सर ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स। बाबा बाबा, अच्छा और किसी को कोई सवाल पूछना है? तुम्हारा नाम क्या बेटा? महेश नायर। महेश बेटा तुम उड़ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है महेश? सर आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी। साजिद बिहेव सर, सॉरी दे आर गेस्ट। सॉरी बेटा, महेश नाम क्या है तुम्हारा? थैंक यू सर, आपने जो बताया वही है। मेरे दोस्तों की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन महेश क्या नाम है आपका? सुना नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दिया। ये मुअर मसूर की दाल, सुनाई नहीं दिया। अच्छा छोड़ो महेश, महेश मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो, अच्छे से जवाब दो, अच्छे से। आई विल आस्क यू करेक्टली, सही क्वेश्चन पूछता हूँ। रेडी महेश, तुम्हारा नाम क्या है महेश? क्या नाम है बेटा? अरे बोल देना, क्यों चल रहा है? महेश। थैंक यू। बोल रहे वाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव महेश। अरे महेश, ये हाथ निकल यहाँ से, टीवी पे अच्छा लगता है। ओके बोलिए सर। सर मैं शेखर सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं इस शो में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मौका मिले उनसे कुछ गाना गलवाना है। गलवाना है गाना को। मैं गलते रहता हूँ गाना। आप बताओ सर क्या करना चाहते हैं? सगा। अरे फिर से हाथ तेरा। एक काम कर, पीछे के जेब में डाल दे, पीछे के जेब में हाथ डाल। काम कर, वो बाजू वाले लड़के के सर पे रख हाथ, उसके सर पे हाथ रख दे, उसके सर पे हाथ रख देना। शाबाश सर, परफेक्ट है। अच्छा ओके, परफेक्ट परफेक्ट सर। क्या आपको गलवाना था? कौन सा गाना है उनका? सर मेरे निशान। मेरे निशान। मेरे निशान। एक बार गाओ, ठीक है? तेरे पीछे आप गाना। इतना ही है? हाँ सर। ये आप मुझसे गलवाना चाहते थे? चलो गलवा ही दिया आपने मुझे। सर मैं रितेश जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। रितेश जी से भी गलवाएंगे? नहीं सर।
बेटा आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर. समझता हूँ मैं. अच्छी बात है. थैंक यू महेश जी. महेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू महेश. अभी हमारा एक मजेदार गेम शुरू करते हैं जिसका नाम है अरे दीवानो मुझे पहचानो. एक बोल है, इसके अंदर एक एक चिट है जिसमें हर एक के बारे में एक सच है और जो सच हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसके ऊपर हमें स्प्रे करना है. पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले स्प्रे करना है. जिस पे शक हो उस पे स्प्रे करना. जिस पे शक हो उस पे स्प्रे करो. ठीक है चलो. चलिए ओके. अतिथि देवो भवा. आप खींच के पढ़ो. शाबाश. ओए अरे तू चिट्ठी निकाल रहा है कि चिट्ठी लिख रहा है? जोर से. मेरे शू का साइज 9 नंबर है. बस. मेरे पे क्यों डाला? जिस पे शक है उस पे डाल दो. क्या क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही. मेरे पे क्यों डाला? How do I know what your shoe size is? शक था. ये खा लूं. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट. दूसरे मेहमान जी. मैंने प्लेन चलाया है. बस. बिकम वेरी मैसी. क्या ये सच है? क्या ये सच है? जी ये सच है. अबे कौन सा प्लेन चलाया है? जू गार्डन का प्लेन तो नहीं चलाया था ना? नहीं सर, नहीं सर. असली हवा में. नाक में पेपर डाल के छींकता हूँ. ये कुत्ता ही है. ये इट्स 100%. मैं नहीं. ये साजिद है. ये साजिद है. अब मैं नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. ये अब मैं नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. वो कौन है फिर? कौन है? पता नहीं. ये रुक जाओ. मैं नहीं हूँ. अरे ऐसे कैसे? कौन? मैं नहीं हूँ. कौन है? बीजा कौन है? नहीं, यही है गुस्सा. ये. ये उम्मीद नहीं थी तुझसे. ऐसे रॉकेट बनाते हैं, नाक में डालते हैं, हाथ छू करते हैं. अब मेरा टर्न है. आज पढ़ ले. पढ़ ले जोर से पहले. स्कूल में मैंने मेरे क्लासमेट का स्केच पेन चुराया था. एक सेकेंड. रितेश मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? स्केच पेन चोर मैं हूँ. नहीं ये पड़ेगा. और चाहिए यार. ये किधर है? अबे ऐसे कैसे? अबे रुक जा. पहले पढ़. ये हरकत तो सिर्फ साजिद खान कर सकता है. सुनो. मेरी पहली गर्लफ्रेंड 8 साल के उम्र में थी. ये कुत्ता. रुको. अरे बाजार सबके सामने तू बैठ इधर. पहले नीचे. क्या ये सच है? द नेशन वांट्स टू नो. मिस्टर साजिद खान. मैंने बोले सच है क्या? हाँ सच है यार. टेंथ स्टैंडर्ड तक कभी एक लड़की से भी बात नहीं की. ये तो डिजर्व है यार. क्या मजाक कर रहे हो? बस. क्या ये सच है? मिलाड ये सच है. मैं बहुत ही शर्मीला किस्म का लड़का था. और मिलाड मैंने कोशिश बहुत की थी लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता. कार है तुम पर साजिद.
How did you allow this to happen? अरे ये झूठ बोल रहा है। अबे इसने एक लड़की से बात की थी, फिर वो भाग गई थी स्कूल छोड़ के। और इस लड़की का नाम था साजिदा। मैंने गोबर में पटाखे फोड़े। गोबर मतलब, एक सेकंड, गोबर मतलब गोबर मतलब विलेज साइड, विलेज साइड मतलब लातूर। एक और, एक और, ये तू तो गया रे, इज गिविंग मी द कैन बेचारा। कॉलेज में मैं गुंडा था, ये मैं नहीं था, ये तू था। ये 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 ये, अरे इसके सर से सब निकल रहा है यार। मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको बाल दिए जाए। तो दोस्तों कहाँ है आप लोग, कहाँ है आप लोग दोस्तों? हाँ दिखाई दे रहे। तो ये है हमारे यार और ये है यारों की बारात। थैंक यू सो मच। वक्त है फास्टर फिंगरप्रिंट कैप्चर वाले वीवो स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का। सो लेट्स गो, सेल्फी ले ले रे। लेट्स गो। हम विशाल और शेखर को खाली हाथ कैसे वापस भेज सकते हैं? हमारी परंपरा है कि इनको हम ऐसा एक तोहफा दें जो ये हमेशा याद करें, हमें, हमारी दोस्ती को और खुद की दोस्ती को। आप लोगों के लिए स्पेशल तोहफा।